तुम्हारे अलग अपना मोबाइल पहुंच रहा है। बारिश मुंबई की बारिश। इट्स रेनिंग बारिश टाइम। मुंबई की फर्स्ट बारिश है ये, और बस आज देखो पीछे पहाड़ों पे धूप भी निकला हुआ है और बारिश भी हो रही है। मौसम कब क्या मिजाज ले ले कोई नहीं। देखो ऊपर आधे में बादल लगा है और आधे में बारिश हो रही है। सो गाइस, इस रात भर बारिश हुई, सुबह सुबह का भी मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो फिर से हमारा अचानक से प्लान बन गया कि चलो कहीं घूम के आते हैं। सो मुंबई ब्लॉगर प्रियंका के चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही ढोकला। आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ढोकला बना था और मैं फर्स्ट टाइम रेडीमेड वाली होते ना वो वाले पाउडर ला करके घर में बनाई थी। बहुत यमी बना था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। नेक्स्ट अटैम्प्ट जब भी लूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये कुछ आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत स्पंजी सा बना था। खुद की तारीफ़ कर रही हूँ लेकिन गाइस ट्रस्ट में बहुत अच्छा बना था। मैंने MTR का जो पाउडर होता है ना ड्राई पाउडर वो लेकर के आई थी। बस इसे स्टीम करना है और आपका ढोकला तड़का लगा के रेडी हो गया। हरी चटनी के साथ इसे मैंने अपने हस्बैंड को दिया खाने के लिए। देन हमारा प्लान बन गया कि चलो करजत घूम करके आते हैं। तो आज आपको कहाँ जा रही हूँ, कहाँ मैं शॉर्ट पिकनिक फैमिली आउटिंग होगी, तो कोको भी हमारे साथ जाएगी क्योंकि बींग पेट पेरेंट्स मैं अपने पेट को अपने साथ ले करके बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल करती हूँ। और कैसे ट्रैवल करती हूँ अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। और वर्ल्ड ऑफ पालतूज पे आपको सारे पेट रिलेटेड वीडियोस आएंगे तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लिंक डाल दूँगी। और यमी ढोकला मैं खुद से तारीफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं रेडी होकर के हम लोग निकल गए। कोको को देखो कैसे विंडो से बिल्कुल अपना फेस निकाल के हवा खाते हुए जा रही है। तो गाइस व्यू तो बहुत अच्छा था क्योंकि मौसम कहीं 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 बारिश होती थी रुकती थी, बट मौसम अमेजिंग। देन हमने रास्ते में एक जगह रुक करके बड़ा पाव खाया। करजत पे आपको बड़ा पाव बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैं जब भी इस रूट से जाती हूँ तो मैं बड़ा पाव जरूर खाती हूँ, अदरवाइज मैं उतना ज़्यादा हर जगह का नहीं खाती हूँ। तो वेल हम यहाँ पे पहुँच गए रिवर गेट पे, जो कि करजत में है। इस एरिया का नाम ही है रिवर गेट, टाटा पावर रिवर गेट के नाम से ये फेमस है। और सामने आपको नदी दिखाई दे रही है। इस नदी में आप घंटों बैठ सकते हो क्योंकि ये पहाड़ी नदी है ना, तो आपको कहीं भी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। आप आराम से पैर नीचे करके पानी में बैठ सकते हो। सामने फैमिली वगैरह पार्टी कर रही है, पिकनिक मना रही है और हम भी अपनी पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक हो रही है। पिकनिक में हमने क्या क्या खाया, चिकन लॉलीपॉप मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा चिकन लॉलीपॉप। कोको कोको को देखो, कोको क्यों तो बनाती है, दिए ना मम्मा खाने के लिए, हाँ दिए ना, तो फिर दिए ना तुमको खाने के लिए, दिए ना तुमको खाने के लिए, फिर ऐसे क्यों कर रही हो। कोको बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठो, यहीं बैठो। और गाइस थोड़ी देर में हम उस रिवर में थोड़ा सा, मैं तो नहीं नहाऊंगी क्योंकि मैं कपड़े वगैरह लेके नहीं, कोको जाएगी और कोको के पापा जाएंगे हम लोग। अब कहीं नहीं जाना है। अभी गाइस कुछ इस तरीके से हमने अपनी फैमिली आउटिंग की, बहुत मजा आया। मैं तो नहीं शावर ले सकी क्योंकि एट रेंडम था, मैं कपड़े वगैरह लेकर के नहीं गई। इंस्टाग्राम लवली प्रियंका ब्लॉगर चैनल पे आपको रील वीडियो पे आपको मेरे रील वीडियो देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। और गाइस ये था मेरा ब्लॉग जो बहुत ही हैपनिंग था लास्ट टाइम पे। आप देख सकते हो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो और मज़ा आने लगा हमें। और उसके बाद शाम होने से पहले घर आना था तो 6 बजे यहाँ से हम निकल गए थे। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड वीडियो कैसे पसंद आते, मैं ट्रैवल ब्लॉग बहुत अच्छी अच्छी लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के साथ। जल्दी से करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।